हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जो विज्ञान है वो हरियाणा पुलिस भर्ती में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बच्चों के नंबर कटते हैं। तो देखिए, हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करें और ये हमारी क्लास नंबर 1 है। देखिए, हम इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई बिल्कुल नीचे वाला लेवल नहीं, थोड़ा अच्छा लेवल जो कि कॉन्स्टेबल और ऐसे दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है। देखिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आपको इसका मैं आंसर बताऊंगा। ओके, आपको पहले खुद ही इनका आंसर देना और आंसर से मेरे आंसर से मैच करना है बाद में कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, हृदय। गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, यानी कि किनके ऊपर जो है प्रेशर डालने को रक्तदाब कहते हैं, आपको ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धमनी। ठीक है, धमनी में अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। और आपको बता दूं, धमनी जो है हमारे हृदय से, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये हृदय है, तो देखिए यहाँ से जो गंदा खून है वो लेके आती है हमारी शिराएं। ठीक है, और हृदय से जो खून हमारे शरीर में जाता है, विभिन्न भागों में जाता है, तो वो करते हैं काम धमनियाँ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने चारों स्क्रीन पर दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी में आता है। ठीक है, डॉल्फिन स्तनधारी में आता है, मत्स्य वर्ग में नहीं आता। कुछ लोग मत्स्य जरूर सोच रहे होंगे। और बात करते हैं एम्फीबिया की, एम्फीबिया क्या होते हैं, इनको उभयचर बोलते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली। देखिए, मछली सिर्फ और सिर्फ जल में ही रह सकती है, कभी भी जो है स्तनधारी इसमें नहीं कहलाएगी क्योंकि ये मत्स्य वर्ग में आती है, ये कभी भी जमीन पर जिंदा नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस कम दिखाई दे रही होगी, क्लियर नहीं है क्वेश्चन, बट आप मैनेज कर सकते हैं। और इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण जो है ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी है। ऑप्शन आपके सामने चारों स्क्रीन पर है, इनमें से बताना आपको कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्त यानी कि जिसका खून ठंडा होता है, इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मेंढक, मछली और छिपकली तीनों ही जो है वो शीत रक्तीय प्राणी के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, नृशंस प्राणी कौन सा है, पेंगुइन, ऑटर, व्हेल या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ही रहेगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अब देखिए, अवशेषी अंग क्या होते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी चीज़ का अवशोषण करते हैं, यानी कि उनको अंदर ग्रहण करते हैं, सोखते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम अंगों को अवशेषी अंग बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं वो हमेशा अवशेषी अंग में नहीं आते। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आ गया, ये शायद सबकी जबान पर रट गया होगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेयर स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर मैमन। तो देखिए, शब्द की बात करें, अगर हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, मेयर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, मेयर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ठीक है, जो कि वाहन प्रदूषण में किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है किसी भी तरह से वाहन में प्रदूषण का पार्टिसिपेट नहीं है, कोई भी तरह से भाग नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, आपको बताना है कि वह एनर्जी का कौन सा सोर्स है जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। तो देखिए, जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा रहेगा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा में किसी भी तरह के प्रदूषण का कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अच्छे लेवल के एग्जाम में भी आया है,
आयरिस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और आंसर दें, मेरे आंसर से मैच करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करना आयरिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ऑप्शन आपके सामने है एंजाइम हार्मोन्स, एपिडर्मिस और मेलानिन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मेलानिन। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। और देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के अंदर हार्मोन आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, स्वतंत्र कार्य करती है। तो देखिए इसमें सबको डाउट होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, परावटू। ठीक है, ये शायद ही किसी को आता होगा क्वेश्चन, अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उनका लेवल बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परावटू, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, उसके कंट्रोल में कार्य नहीं करती। देखिए यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन थोड़े से क्लियर नहीं है, बट आप इनको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो गई है। स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ओके, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी, स्त्री की नसबंदी को बोलते हैं। और देखिए ये होता है हमारा वैसेक्टोमी, तो ये पुरुषों की नसबंदी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना हो चुका है और सबके जुगान पे आई थिंक रट गया होगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जठर एक प्रकार का रस होता है, यह एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपको बता दूं सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है हमारी थायराइड, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो होती है हमारी अग्नाशय। ठीक है, ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितने परसेंट होता है जो कि हम छोड़ते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 4%। ठीक है, 4% जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में शायद सबको डाउट भी होगा, पर देखिए इसका जो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, पाइरूविक अम्ल। ठीक है, क्रेब्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई होगी, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद दोस्तों।